एमपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और निर्दलीय के कुछ विधायकों ने कमलनाथ सरकार की नींद उड़ा दी है। कुछ विधायक बीजेपी के करीब आ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस इन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। कुछ विधायकों को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अपने पाले में लाने में कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ विधायक बीजेपी के पाले में मौजूद है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बीएसपी के 2-1 निर्दलीय और 6 कांग्रेसी विधायकों को गुड़गांव के एक होटल में जमा किया था। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पात्रिया से विधायक रमाबाई, भिंड से विधायक संजीव कुशवाहा, अनूपपुर सीट से कांग्रेस विधायक बिसाहूला, सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग, सुमावली से कांग्रेस विधायक इंदर सिंह कंसाना, मुरैना से कांग्रेस विधायक रघुराज कंसाना, दिमनी से कांग्रेस विधायक गिरिराज तड़ोंतिया, गोहद से कांग्रेस विधायक रणवीर जाटव, एसपी विधायक राजेश शुक्ला और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ऐसे नेता है जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। हालांकि रात में हुए एक सियासी ड्रामे में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने 6 विधायकों को छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी 4 विधायक बीजेपी के पास है। दिग्विजय सिंह ने इन सबके पीछे बीजेपी के रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये 4 बीजेपी विधायकों को पैसा बांटने का काम कर रहे थे। देखो, दिग्विजय सिंह बिना प्रमाण के बोलता नहीं है, 101%। इसके पीछे कौन है सर? शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ और संजय पाठक हमारे साथ मौजूद जो थैलियां लेकर होटल में बैठे रहे। कांग्रेस सरकार बचाने की मुहिम में शामिल कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी की अहम भूमिका रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने के आरोप बीजेपी नेता रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया और संजय पाठक पर लगाया है। उन्होंने कहा कि ये 4 बीजेपी नेता विधायकों को पैसे बांटने का काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।